हेलो, आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A रियल नंबर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ए इक्वल टू बी की प्लस आर, जहां आर की वैल्यू जीरो से बड़ी है और बराबर है लेकिन बी से छोटी है। इट मीन्स आर लाइज बिटवीन जीरो एंड बी। सेकेंड वन क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 61 गिव्स 20 एज क्वेशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। इसमें ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वेशेंट है, आर रिमाइंडर है। इसमें दिया गया है डिवाइजर बी दिया है 61 Q दिया 27 और R दिया 32। ए अपन को क्या ये वैल्यू इसमें रख देंगे अपन लोग, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 61 एंड 2 27 प्लस इसमें 32 कर दीजिए, 167। ये सेकंड क्वेश्चन है। Why what number should 1365 be divided? Means A equal to दिया है 1365 to get 31 as quotient. Q is equal to 31 and 32 as remainder. R is equal to दिया 32 और निकालना है B अपन A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1365 इक्वल टू 31 इंटू बी इंटू 31 प्लस आर 1365 माइनस 32 इक्वल टू बी इंटू 1365 बता दिए 365 माइनस 32 1333 इक्वल टू बी इंटू 31 बी इक्वल टू 1333 डिवाइड बाई 31 बी से डिवाइड कर लीजिए 31 से 1333 ये दोनों ही क्वेश्चन इक्वलिटी की डिवीजन लेने पर बेस्ड थे। तो वी का आउटपुट आ गया 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड. लेट एन कैन बी अ पॉजिटिव और मान लिया कि n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है. आपको सो ये करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा. तो यदि इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा. ऑन डिवाइडिंग बाय 2 let m be a quotient and r be a remainder. हमने मान लिया कि जब इस n को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो n क्वेशेंट आएगा और r रिमाइंडर आएगा. तो अपनी इक्वेशन इक्वेशन क्या बन जाएगी जब हम इसको सूत्र में लगाएंगे a इक्वल टू b के साथ, तो बन जाएगी n इज इक्वल टू m क्यू टू m प्लस 2 क्वेश्चन था टू से डिवाइड 2 बी है बी इक्वल 2 है तो क्वेश्चन कितना था n इक्वल 2m प्लस r हो जाएगा. जहां r की वैल्यू क्या हो जाएगी वेयर 0 से बड़ा है r तो बराबर है और छोटा है वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड 2. तो r की पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगी जीरो एंड वन. क्यों दो से छोटा जीरो भी हो सकता है और एक हो सकता है. व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो n is equal to 2m plus 0 means n is equal to 2m. When r is equal to 1 then n is equal to 2m plus. हम सभी लोग जानते हैं 2m ये इवन हो जाएगा और 2m प्लस वन ये. तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो या तो इवन होगा या ऑड होगा, ये अपन को प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5. Means इसमें प्रूव करना है कोई भी पॉइंट ऑड इंटीजर होगा वो 6m plus 1 रूट में होगा, 6m plus 3 रूट में होगा और 6m plus 5. ये हमको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 के रूप में होगा जहां m कोई इंटीजर है. लेट n बी आर गिवन पॉजिटिव इंटीजर.
मान लिया हमने एन को एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऑन डिवाइडिंग एन बाई सिक्स, जब एन को हम सिक्स से डिवाइड करेंगे, लेट एम बी अ क्वेशेंट एंड आर बी अ लिमिट, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू सिक्स एम प्लस, क्योंकि सिक्स क्वेश्चन था जो है, सिक्स डिवाइजर था, एम क्वेश्चन था और आर एम, एन इज इक्वल सिक्स एम प्लस आर, वेयर आर जीरो से बड़ी है बराबर है और छोटी है सिक्स, मीन्स आर लाइज बिटवीन जीरो एंड सिक्स, देन द पॉसिबल वैल्यू फॉर आर मे बी जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, आर इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, आर की ये वैल्यू हो सकती है। अब आर की जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ए करके सब इसको रख इसमें रख देंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो अब देंगे। यदि हम इसमें एन इक्वल टू जीरो रखते हैं, एन इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, सॉरी आर इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू सिक्स है। यदि आर इज इक्वल टू वन रखते हैं तो आ जाएगा एन इज इक्वल टू सिक्स एम प्लस वन, यदि आर इक्वल टू हम टू रखते हैं तो आ जाएगा एन इज इक्वल टू सिक्स एम प्लस टू, यदि आर इज इक्वल टू थ्री रखते हैं तो एन इज इक्वल टू सिक्स एम प्लस थ्री, यदि आर इक्वल टू फोर रखते हैं एन इक्वल टू सिक्स एम प्लस फोर, और यदि आर इक्वल टू फाइव रखते हैं तो आ जाएगा एन इक्वल टू सिक्स एम प्लस फाइव। ये एक दो तीन चार ये वैल्यू अपनी पॉसिबल वैल्यू है। अब वो कह रहा था, इसमें पूछा था वो कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यदि ऑड इंटीजर हो तो ये तो इवन होगा तो ये लेंगे नहीं, ये ऑड होगा ये भी इवन होगा इसको भी लेंगे, ये ऑड होगा इवन होगा इसको नहीं लेंगे, तो इवन ऑड इंटीजर है वो या तो इस रूप में होगा या इस रूप में होगा या इस रूप में, ये अपन को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर फोर, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520, 405 एंड 2520, फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग
क्लियर 2520 इज ग्रेटर देन 405 सो बी डिवाइडेड टू फाइव टू जीरो बाई 405 अब 90 से डिवाइड करेंगे फोर्टी फाइव से डिवाइड करेंगे 90 को इसलिए अब स्टेप बनाएंगे स्टेप वन When we divided 2520 by 405, we get 6 as percent and 90 as remainder. Algorithm जाएगी इसको a is equal to b cube plus r cube में इसको अरेंज कर लेंगे 2520 equal to 405 into 6 प्लस 9 हियर 90 इज नॉट इक्वल टू 0 सो वी डिवाइडेड ऊपर वाले को मिटा देते हैं इससे आपको दिख नहीं रहा होगा हियर 90 इज नॉट इक्वल टू 0 सो बी divided 405 by 90 we get 4 as percent and 45 as remainder step jayega 405 is equal to 90 into 4 plus 40. Except here 45 is not equal to 0. So we divided 90 by 45 we get 2 as
well as quiescent and zero as R equal to 0 then HCF 405 2520 equal to